Hello students, welcome back to our Brainiacs channel. और आज हम एक नया वीडियो लाए हैं एक और नेशनल इनकम न्यूमेरिकल मेथड के साथ, और जो है हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए उसे शुरू करते हैं और सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर का मेथड है। अब इसके अंदर जैसे हम पिछला जो हमने मेथड किया था इनकम मेथड, दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्टर पेमेंट्स, बट जो फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, अब हम इनकम एस्पेक्ट नहीं देख रहे, अब हम एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट देख रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए हम क्या एक्सपेंडिचर करते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड यानी कि भाई कहाँ पे इनकम खर्च हो रही है, तो यानी हमारा, तो अब देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है जिससे हम, जिसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करते हैं। अब उसमें पहला कंपोनेंट जो हमारा आ जाता है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपको इस कंपोनेंट को देखना है कि ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अब अगर मान लीजिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो इसके अलावा क्या गिवन हो सकता है, तो यानी कि हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एंड सेकेंडली प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यानी अगर ये दोनों टर्म्स गिवन है या इनमें से कोई एक टर्म गिवन है तो हम उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लेंगे, और अगर दोनों गिवन है तो दोनों का सम कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम द एग्जामिनर विल गिव अस अ डायरेक्ट टर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा उसकी कंसोलिडेटेड आइटम जो जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं वो भी दे सकता है। इसके अलावा जिस बात को आपको ध्यान रखने की है इसके अंदर, कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो रेजिडेंट्स फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो वहाँ करते हैं तो वो इंक्लूड किया जाता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट्स अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे तो हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। उसी तरह से जो एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कार्स हैं, इन सबको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये तो प्राइवेट हुआ यानी हाउस होल्ड्स का, तो जो सेकेंड आइटम आएगी वो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि अब देखिए सरकार के भी खर्चे होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, लोगों के वेलफेयर पे खर्चा करती है, तो जो खर्चा गवर्नमेंट का है उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज यूजुअली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस, अब यूजुअली तो हम ये कहते हैं कि या तो क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, जिसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कह देते हैं, तो उसको ऐड करके आपको ये बनाना पड़ेगा। बट कभी कभी और ज़्यादा अगर नॉलेज आपकी टेस्ट करना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय आपको दे सकता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी अगर गिवन होगी तो आप इनको ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा, और उसके साथ आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। फिर फोर्थ आइटम हमारी आ जाती है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो अब ये हुए चार कंपोनेंट, इन चारों कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड हमें देता है जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन हम कर तो
नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड रहे। तो नेशनल इनकम क्या है? NNPHFC। इसने क्या दिया? GDPMP, यानी एक डिफरेंट एग्रीगेट दिया। तो यानी कि मेरी आप लोगों को सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि इस मेथड को सीखने से पहले आप हमारा जो है नेशनल इनकम एग्रीगेट का वीडियो देखिए, जिसमें एक एग्रीगेट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसको सीखने के बाद फिर आपको ये वाली समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि भाई GDPMP को हम NNPFC में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे गिवन है कि GDPMP इज इक्वल टू PFCE, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स। अब चलिए, ये तो हुआ फॉर्मूला। अब देखते हैं कि इसको हम न्यूमेरिकली एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, आप देखो क्वेश्चन में भी GDPMP निकालने को नहीं कहा उसने, उसने हमें NDPFC निकालने को कहा है। और NDPFC तो नेशनल इनकम भी नहीं होती, वो क्या होती है? वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। जबकि ये फॉर्मूला हमने जो सीखा वो हमें देगा GDPMP। तो यानी GDPMP से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए उसको NDPFC में। तो वंस अगेन आई रिपीट कि ये जो चेंजेस हैं एक नेशनल इनकम एग्रीगेट से दूसरे में, उसके लिए प्लीज गो थ्रू आर वीडियो ऑन नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, और उसका हम लिंक जो है आपके बेनिफिट के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि पहली आइटम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेकंड था हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसमें हमें गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है। तीसरा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यहाँ गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका मतलब इसके साथ हमें चेंज इन स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अब हमारी एक टर्म बच गई, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपोर्ट्स 20 दिया है और इम्पोर्ट्स 22 दिया है, तो यानी 20 माइनस 22 आपका आया -2। तो इसीलिए हमने नेट एक्सपोर्ट्स को विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, दैट सिग्निफाइज कि वो एक नेगेटिव नंबर है। अब इन सारी आइटम्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा GDPMP, जो कि हुआ 404 करोड़। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन में अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो NDPFC निकालना था। तो यानी मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, डोमेस्टिक तो गिवन है ही है, और मुझे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं कि ग्रॉस को नेट में चेंज किया तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन किस टर्म के साथ गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा या डेप्रिसिएशन लिखा एक ही बात है। तो हमने ग्रॉस को नेट में चेंज कर दिया। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें डायरेक्टली गिवन है, तो यानी 404 में से मैं 22 और 35 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 347 करोड़, जो कि है मेरा NDPHFC। तो था ना सिंपल कि अगर आप अपनी टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए फिर भी एक और एग्जांपल करके देखते हैं, तो आपको अगर कोई डाउट अभी भी रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल टू को अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल टू में हमें उसने कैलकुलेट करने को कहा है GNPHFC। बट क्योंकि सारी टर्म्स तो एक्सपेंडिचर मेथड की हैं, हम वही कर रहे हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं।
तो हमारा जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यानी पर्सनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हमें गिवन है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी हमें गिवन है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो यानी इन दोनों आइटम्स को हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, तो वंस अगेन एक्सपोर्ट्स 5,000 है, इम्पोर्ट 7,000 है, तो वो फिर नेगेटिव में आएगा, तो हमारा नेगेटिव में आ गया 2,000 करोड़। ये आइटम्स को ऐड करने से हमको मिल जाता है जीडीपी एट एमपी विच कम्स आउट टू बी 75,000, ठीक है ना। लेकिन चाहिए क्या था, जीएनपी एमपी, तो यानी डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो वो गिवन ही नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो हमने उसको जीरो अज्यूम कर लिया, तो यानी हमारा जीडीपी एमपी ही हमारा जीएनपी एमपी कहलाया जाएगा इस क्वेश्चन में, विच इज 75,000, राइट। तो दैट वाज रियली वेरी सिंपल एंड आई बिलीव आपको समझ आया। लेकिन जैसे कि हमने पिछले मेथड्स में सीखा है, इस मेथड में भी जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या है, अब पहले उनको समझ लेते हैं कि हमने कहा एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनल गुड्स के ऊपर बेसिस है। तो जो रॉ मटेरियल्स है उनकी सेल परचेज उसको हम इंक्लूड नहीं करते, हम केवल फाइनल गुड्स को देखते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, वंस अगेन ट्रांसफर पेमेंट्स तो कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसफर पेमेंट्स तो जो एक तरह से हमारी इनकम है और विच इज़ नॉट लीडिंग टू एनी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। फिर सेकेंड हैंड गुड्स, वंस अगेन कोई फ्रेश प्रोडक्शन नहीं है तो इसलिए उसको वंस अगेन दियो, क्योंकि वो जब वो पहली बार बनी थी तब हमने उसको इंक्लूड किया था। वंस अगेन फाइनेंशियल असेट्स जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो दे डू नॉट लीड टू एनी न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कोई फिजिकल गुड्स में नहीं आते हैं, तो इसलिए उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन पे कुछ खर्चा करते हैं क्योंकि दे माइट बी नीडिंग दोज गुड्स, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड इस विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उससे हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, सो दैट आपको जो हम वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल चीज़ें डाल रहे हैं आप उनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, गुड बाय।